मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में चंडीगढ़ में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मोहर लगाई गई। चंडीगढ़ में हुई इस बैठक में कैबिनेट के सभी मंत्री शामिल हुए और इस दौरान कई फैसले लिए गए। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लिया गया है कि हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आगामी 5 मार्च को दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। साथ ही मंत्री गुर्जर ने ये भी जानकारी दी कि मीटिंग में खिलाड़ियों, जमीन अधिग्रहण और कर्मचारियों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट में जो निर्णय लिए गए, सबसे पहले तो जो बजट सेशन है वो 5 मार्च से शुरू होगा। जो भी फाइनल होगा वो तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में होता है, टाइम तो फाइनल, लेकिन वो टाइम निश्चित कर देंगे। और दूसरा, हमने एक निर्णय और बड़ा महत्वपूर्ण दिया है कि जो हमारे ओलंपिक खिलाड़ी हैं उनके लिए हमने निर्णय लिया कि जो भी उसमें सेलेक्ट होते हैं ओलंपिक में जाने के लिए, तो उनको 5 लाख रुपए हम तैयारी के लिए देंगे। पहले तो उनको किसी प्रकार का कोई किट या और चाहिए तैयारी के लिए, तो उनको 5 लाख रुपए का हमने एक प्रावधान रखा है कि हम 5 लाख रुपए उनको एडवांस देंगे। इसी प्रकार से हमने उनको बढ़ावा देने के लिए नए नियमों के अनुसार राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमने ग्रुप ए में उपनिदेशक के 50, ग्रुप बी में वरिष्ठ कोच के 100 व कोच के 150, ग्रुप सी में जूनियर कोच के 250 पद स्वीकृत किए हैं। और इसी के साथ जो हमारे HRDF के कर्मचारी थे उनको अब तक जो पेंशन का लाभ नहीं मिलता था, उसके बारे में भी आज कैबिनेट ने निर्णय लिया कि उनको भी पेंशन का लाभ उसी प्रकार से जैसे दूसरों को मिलता है उसी प्रकार से उनको भी मिलेगा। एक हमने निर्णय लिया कि जो NCR से NCR में जो भी व्हीकल आते थे, चाहे वो कार थी, चाहे थ्री व्हीलर था, या दूसरे फोर व्हीलर था, जो भी था, उन पे हमारे यहाँ टैक्स था, लेकिन आज हमने उसमें भी निर्णय लिया कि उनको हमने NCR से NCR में जो भी व्हीकल आएगा उसको हमने टैक्स से मुक्त करने का फैसला लिया। मनोहर कैबिनेट की इस मीटिंग में जमीन अधिग्रहण से जुड़े एक विवादित मुद्दे पर भी बड़ा निर्णय लिया गया है। मंत्री गुर्जर ने बताया कि अब कोई भी व्यक्ति समझौते के बाद अपनी जमीन का अतिरिक्त मुआवजा सरकार से नहीं मांग सकेगा। मंत्री ने इस दौरान ये भी बताया कि सरकार ने आने वाले दिनों में हैफेड द्वारा राज्य के 8 जिलों में 16 स्थानों पर 2.72 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण भी किया जाएगा। आज निर्णय लिया कि पहले जैसे कोई भी व्यक्ति सड़क बनाने के लिए या दूसरे अन्य कोई सरकारी कार्य था उसके लिए अपनी इच्छा से भूमि दे देता था, लेकिन बाद में टाइम बाय टाइम, मतलब मेरे बाबा जी ने कोई जमीन दी और उसके बाद अब आके मैंने केस कर दिया कि भाई मेरे को तो उस टाइम कोई उसके लिए मुआवजा नहीं मिला था, तो उसका हमने एक प्रदान कर दिया कि अब वो इस प्रकार का केस करके हमारे से इस प्रकार का मुआवजा सरकार से नहीं ले सकता। इसी के साथ सरकार ने जो अनाज है वो ठीक तरीके से सुरक्षित रहे उसके बारे में हमने निर्णय लिया। एफिड जो है वो 16 स्थानों पर गोदाम का निर्माण करेगा जिसमें 2,72,726 मीट्रिक टन की जिसकी क्षमता होगी और 113.3 करोड़ इसके ऊपर खर्च होगा। ये हम सेंटर से लेंगे, 7 साल में इसको हम अदा कर देंगे। इसके साथ जो पहले एक निर्णय था जो टोल लेते थे, तो जो राज्य सरकार की सड़कें हैं जहाँ हमारे छोटे टोल थे उन पर सड़क की रिपेयर की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, तो आज हमने निर्णय लिया उसमें कि जो टोल लेगा उसकी जिम्मेदारी सड़क की रिपेयर की भी उसकी भी रहेगी। इसी प्रकार से महेंद्रगढ़ में जो एक टोल प्लाजा था उससे हमने टोल जो है वो उसका वापस ले लिया, अब उस पर टोल की व्यवस्था नहीं रहेगी, टोल नहीं लगेगा उस पर। महेंद्रगढ़ में अटेली खेड़ी रोड पर एक टोल पॉइंट था उससे हमने टोल आज से हटा दिया। बता दें कि किसान आंदोलन के बीच हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की इस बैठक में NCR से NCR में आने वाली सभी टैक्सियों से टैक्स न लेने का निर्णय भी लिया गया है। साथ ही HDRF के कर्मचारियों को अन्यों की तरह पेंशन देने को मंजूरी दी गई है, लेकिन किसानों के इस बैठक में कोई बड़ी सौगात नहीं मिल पाई है। बहरहाल कैबिनेट मीटिंग के फैसलों को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। अब देखना होगा कि बजट सत्र में सरकार क्या नई सौगातें लेकर आएगी। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV।